हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल मखनी। तो ये जो साबुत उड़द होती है, और उसमें साबुत उड़द और थोड़ा सा मैंने राजमा लिया। राजमा की जो क्वांटिटी होती है ना, वो कम ही रहती है दाल मखनी में। तो इन दोनों को मिक्स करके मैंने अच्छे से वॉश करके, और मैंने इसको रात भर इसको भिगोया था। अब मैंने इसको मॉर्निंग में इसको बहुत अच्छे से 4 से 5 से पानी में धुल के अच्छे से अब मैं इसको उबाल रही हूँ। तो ये मैंने क्या नाम है, इसमें जो मतलब मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, तो इसमें ये खड़े मसाले डाल रही हूँ। तो इसको आई थिंक पीपल कहते हैं शायद। ये दालचीनी 2 छोटे टुकड़े, और एक ये इलायची, बड़ा एक इलायची, और ये 4 लौंग। अब मैं इन सबको एक इस कुकर में डाल के इसमें थोड़ा सा मैं नमक, नमक जो अपना टेस्ट के अनुसार ही डालें, इसमें नमक डाल के अब मैं इसे अच्छे से 6 से 7 सीटी दे दूंगी। इस दाल को उबालना ही बहुत अच्छे से होता है। उसके बाद ये जब ये उबल जाएगी तो हमें इसमें तड़का देना होता है। दाल बहुत अच्छी लगती है और ये बनती तो बहुत ही मेरी ज़्यादा दाल में टेस्टी है। तड़का लगाने तो के मेरी बाद जो ना दाल है वो मेरे बॉईल इतने हो गुस्से चुकी आ है। अब रही मैं है ये इसमें चीज़। रिफाइंड में, मैं कढ़ाई में रिफाइंड डाल के इसमें मैं इसको इसमें तड़का दे दूंगी। तो इसमें मैंने जीरा डाला है, ये मेरा तरीका है। मैं इसमें गर्म मसाले भी ऐड करूँगी, ये तो शायद थोड़े से ही ज़्यादातर मतलब लोग ना मसाले करते हों दाल चाहिए मखनी और में। तो ये वही मैंने एक छोटी सी दालचीनी मिर्च और ये इलायची और डाल दी मिर्ची है। में और अब प्याज इसमें जो तोड़ हैंड दिया। चॉपर होता है, उसमें मैंने 2 प्याज को हैंड चॉपर कर लिया है, और मैं इसको ब्राउन कर लूँगी। गोल्डन ब्राउन करना है हमें इसे, और इसमें जब ये प्याज जब लाइट फ्राई ब्राउन हो हो जाएगा जाएगा तब तब मैं उसके इसमें बाद डाल दूँगी अपना अदरक में लहसुन इसमें का ऐड पेस्ट। कर अदरक तो ये लहसुन देखिए का हल्का टेस्ट सा जो है ब्राउन वो हो बदल गया है, तो गया अब मेरा। मैं इसके अंदर ये अदरक लहसुन हल्का का सा लाइट टेस्ट ब्राउन ऐड हुई कर प्याज हो दूँगी। गया मेरा पर ये देखिए, टेस्ट नहीं अदरक लहसुन का आप टेस्ट बहुत चाहें तो ज़्यादा इसे जो आ रहा बारीक है बारीक काट के भी डाल सकते हैं, बट मुझे मैं उसका लहसुन मेरा का अदरक का मेरा टेस्ट ये इसमें मेरा आता है, तो तरीका था। सबसे मैं इसी बेस्ट तरह है से कि मैं इसको बनाती हूँ पेस्ट जैसे भी बना के हमेशा डालती हूँ साबुत अपने दाल रेस्टोरेंट में। मखनी तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब ये मैं इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनती गोल्डन हूँ। ब्राउन होने दूसरी तक तरफ इसको मैं मैं अपने भूनती हूँ। टमाटरों को उसके हैंड बाद चॉपर कर ले रही हूँ, आप चाहें तो इसकी प्यूरी मेरा बना के भी प्याज डाल भून सकते चुका है हैं। ये अच्छे से पूरा और मैं मेरा इसमें ही तरीका है बनाती दाल हूँ सारे मखनी बनाने रेसिपी। का। तो ये मैंने देखी, ये मैंने ये हैंड टमाटर डाल चॉपर से दिए हैं मैं क्या इसमें। कर रही हूँ अब प्याज मैं और टमाटर टमाटर लूँ को मैश होने और तक मैं के लिए इसको करूँगी, टमाटर को डाल और के और इसी इसमें के थोड़ा ना साथ सूखे मैं मसाले इसमें ऐड कर सूखे देती हूँ मसाले पहले भी मैं ऐड बना कर रही हूँ दूँगी। सारे सूखे चीज़ें। मसाले में इसमें मैं सिर्फ मिर्ची तो नमक हमें थोड़ा और ध्यान से नमक ही डालना है डालना क्योंकि होता मैं है। तो जो देखिए ऑयल मैंने ये डाल नमक रही डाल हूँ दिया, ना मैं नमक उसमें को ना ध्यान और से मैं डालना, इसमें डाल रही क्योंकि हूँ अदरक हमने मैं दाल डाल रही हूँ उबालने क्योंकि में भी ऑयल नमक मैंने डाला थोड़ा है, सा कम कर और दिया हम है इसमें भी क्योंकि नमक डालेंगे, थोड़ा और सा हम इसमें स्पाइसी मक्खन भी का डाल भी रही यूज़ हूँ करेंगे, क्योंकि अभी क्योंकि से ये मैं दाल मखनी है तो मक्खन सूखी जिसमें मिर्ची ज़रूर होना चाहिए। सूखी मिर्ची वो तो अब अच्छे मैंने से इसमें डाल लाल रही मिर्च हूँ का पाउडर डाल दिया है। बस ये दाल मसाले जो है ले वो रही थोड़ी हूँ सी और एक इसमें मतलब स्पेशल स्पाइसी, मसाला थोड़ी सी जाएगा स्पाइसी लगती है, वो रहेगी तो दाल मैंने ये मखनी। इसमें लाल मिर्ची अच्छे से डाली है। मैं इसमें प्याज गरम का दाल मसाला भी मखनी का डालूंगी, मसाला है ना और इसका देखिए सबसे मेन मसाला तो ये मैं दाल इसमें ऐड मखनी कर देती मसाला। हूँ तो ये कैच का दाल मखनी मसाला है, तो मैं इसको इसमें अब दो मैं चम्मच इसमें ऐड करूँगी दो भर के आपको चम्मच मैं डालूंगी। तो डब्बे से डालने में दिक्कत हो रही तो थी तो मैंने इसको निकाल लिया ये पाउच देखिए में मैं तो इसमें अब मैं ये इसमें दाल मखनी दाल मखनी का मसाला मसाला डाल डालूंगी। के अब इसको मिक्स कर लूँगी। दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, क्योंकि मैंने खा ली है इसको, अब मैं इसको बहुत ही मैं ज़्यादा मिक्स यम्मी बनी थी। करके तो मैं इसे मिक्स इसको अच्छे करके से अच्छे भून से लेती हूँ। मिक्स इसमें कर हल्का लूँगी सा इसको, पानी और डाल इसको के वही हमें पानी डाल के हमें इसे देखिए मैंने भून इसमें लेना है पानी डाल स्लो के फ्लेम अब मैं पे। इसको स्लो तो फ्लेम इसको करके मैं अच्छे इसको से भून भून ली लूँगी, मसाले को अच्छे से और उसके मक्खन बाद मैंने मैं इसे तड़के आपको के टाइम पे नहीं इसमें डाला दाल डाल था, के ढक तो देती हूँ। मैं इसमें ऊपर से दाल तो ये डालने मैंने के बाद देखिए मक्खन इसमें ये डालूँगी। दाल ये डाल देखिए मैंने ली है दाल डाल अब ली मैं है। इसको मिला मैंने लूँगी इसमें कुकर में एक ही छोटा दाल को पौधा अच्छे इसके से मैश बाद कर मैं डाल लिया दी था चिमचे इसमें में। देखिए अभी इसका क्रीम कलर देखिए, और अभी इसका फ्लेश बाद में की आप कलर देखना, अगर आपके बिल्कुल चेंज हो पास जाएगा। जैसे क्रीम दाल है मखनी का ही तो इसमें आप जो होता है कलर मिलाई है वैसे ही दूध आएगा। की वो भी ऐड कर तो सकते हैं। इसमें से फ्रेश क्रीम पड़ती मैं है, वही करूँगी आप क्योंकि चाहे तो शायद क्रीम मेरे डालिए पास चाहे तो मलाई मलाई डालिए, नहीं। मैं आपको कोई डिफरेंस दिखाऊंगी नहीं भी ना आता। मैं उसका और मैं टेस्ट मैं भी इसमें थोड़ा क्या ट्राई नाम है मलाई करूँगी डालूंगी। देखिए मैं भी इसे मिक्स कर रही हूँ, इसको मैश कर लेना होता है दाल को थोड़ा। इसी के और साथ मैं मैंने इसमें इसमें ना मलाई हल्का ही सा डाली नमक है, थोड़ा डाल फ्रेश दिया मलाई मैंने इसमें इसमें डाली है। तो इसमें एक खदक आ जाएगी, तो मैं इसको तो खदक ये आने इसमें तक मैं इसको नमक डाल रखूंगी। दूंगी। देखिए मैंने इसमें ऊपर से डाल दिया है बटर। तो मैंने इसलिए मसाला नमक का फ्राई बहुत भी अच्छे नहीं से डाला ध्यान था रखना ना है, तो मैं इसे क्योंकि अभी निकाल देती हूँ इसमें नमक क्योंकि दाल मतलब बटर मखनी में अभी भी पकने नमक के होता बिना है। तो जरूरी तो है देखिए अब मैं मक्खन डाल और के इसको जैसे मिक्स मॉइस्ट कर हो लूँगी। गया इसके होगा बाद तो ना तो मैं इसलिए इसमें मैं हल्का देखिए सा इसका नमक का कलर कैसे कैसे ध्यान चेंज रखना होता चला जरूरी है जाएगा। बटर में भी थोड़ी नमक सी दाल हल्का मैंने हल्का गैस डाल पे कर गई थी, देखिए मैं इसे मिक्स। तो देखिए मेरी यम्मी सी दाल देखिए मखनी इसका जो है कलर ठीक जो से है रेडी कितना हो ज़्यादा गई है। चेंज हो गया यहाँ पर देखा रहे। मैंने अब इसमें मैंने वही इसमें मलाई जो है मेरी जो मलाई मैंने थी इसमें वो क्रीम मैंने नहीं ऐड डाल करी दी है है, इसमें तो मैंने मैंने वही उसका मलाई ऐड वीडियो करी उस तो जो मैंने आप आप ये नहीं दिखा देखिए पाए, सॉरी।
तो आप कुछ प्लीज़ फर्क मेरी नहीं वीडियो आता को देखते हैं, तो सब्सक्राइब एक भी बार कर लिए, उसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब के करके साथ देखिए, बेल आइकन को भी दें ताकि आपको मेरी मेरी वीडियो की वीडियो नोटिफिकेशन को मिल लाइक जाए। शेयर करते तो रहिए। थैंक यू।